बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा पराठा लिक्विड डो से, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। इसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा। उसमें हम कुछ सब्जियां डालेंगे, प्याज 1 बारीक कटी हुई, गाजर 2 बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें 3 से 4, हरा धनिया थोड़ा सा ले लें 1/2 कप, और ये इसमें शिमला मिर्च जाएगी 1 या 2 बारीक कटी हुई, लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया कुटा हुआ 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें फिर 3 अंडे ऐड किए जाएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा पानी भी डालते जाएं ताकि ये एक अच्छा सा बैटर बन जाए। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी शामिल करती जा रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। बहुत अच्छे से, इसमें लम्स बिल्कुल ना बने, और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखें, पानी ऐड करते जाएं, मिक्स करते जाएं, ना ही ज़्यादा गाढ़ा बैटर बनेगा और ना ही ज़्यादा पतला। ये देखें, अब इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए एक साइड पे छोड़ दें। ये देखें, 5 से 10 मिनट हो गए हैं। इसको मिक्स करके इसको चेक करें, इसमें अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी और मिला लें। थोड़ा पतला बैटर इसका बनेगा, ना ही बहुत गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, दरमियाना। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और इसको थोड़ा पतला कर लिया है। ये देखें, ये इस तरीके से होना चाहिए ताकि पराठे बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बने। अब ऑयल से ग्रीस कर लें तवे को, और उसको धीमी आंच पे इस तरीके से बैटर डाल के इसको पकाएं। बहुत ही मज़े के फ्लफी और मज़ेदार सॉफ्ट पराठे बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। एक 2 मिनट इसको पका के इसकी साइड चेंज कर लें और ऊपर से भी हल्का सा ऑयल डाल दें, और दूसरी साइड से भी 1-2 मिनट के लिए पका लें। ये देखें, साइड चेंज करने के बाद बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट पराठे बनते हैं ये, और जल्दी से तैयार हो जाते हैं सिर्फ 5 मिनट में। ये देखें, मज़ेदार पराठा तैयार है, हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, या दही के रायते के साथ। बहुत ही बेहतरीन मज़े के लगते हैं ये। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट मज़ेदार पराठे तैयार हैं, ज़रूर ट्राई करें। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक भी दें।